परीक्षा को लीक हुए अब 5 दिन बीत चुके हैं। इसके बाद PPSC की ओर से उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तमाम छात्रों की ओर से लगातार ट्वीट और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी नाराजगी, अपनी निराशा का प्रकट किया जाना जारी है। हमारे साथ इस समय बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं और हम उनसे बात करेंगे जो छात्रों की निराशा की बात है और तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो लगातार विपक्ष की ओर से जो घेरे जाने की कोशिश जारी है, हम उन संबंधों में उनसे सवाल करेंगे। विजय जी, आपका नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आपको भी नमस्कार और सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। विजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो लीक हुआ रविवार को, उसके बाद जो छात्र इतने सैकड़ों किलोमीटर से यात्रा करके पहुँचे थे अपने अपने परीक्षा केंद्रों में और उसके बाद पेपर लीक हो गया, तमाम छात्रों का ये कहना है कि लड़कियों का, लड़कों का, कि शायद उन्हें अब अगली बार पेपर देने आने के लिए उतने पैसे न जुटा पाए, वो शायद उनके परिवार उनको भेज ना पाए इतनी दूर परीक्षा देने के लिए, जो मानसिक प्रताड़ना, जो डिप्रेशन, अवसाद की बात तो छात्रों की ओर से आ रही है। आप सरकार में मंत्री होने के नाते शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं, आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? हम तो सभी छात्र छात्राओं से यही अपील करेंगे कि इसमें कोई उतना निराश होने की बात नहीं है। अगर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो परीक्षा को रद्द करने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। और वैसे भी जान लीजिए कि आप लोगों ने भी देखा है या जो घटना घटी है परीक्षा का पेपर लीक होने का, ये कहीं से कोई मतलब इसका प्रामाणिक सबूत नहीं है कि उससे किसी को फायदा मिला था कि नहीं मिला। लेकिन आप ये बिहार लोक सेवा आयोग की और सरकार की पारदर्शी तरीके से काम करने की शैली जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पेपर लीक हुआ, वायरल हुआ, लेकिन उससे कोई लाभ लेने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। अब आपको सूचना हो तो मैं नहीं जानता हूँ, जो वो कोई परीक्षा हॉल में बैठे किसी विद्यार्थी को पहुँच गया और उसने उसका फायदा उठा के कोई पेपर लिख डाला, इसे दुनिया ने देखा। तो भले ही किसी को फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति कहते हैं कि विश्वसनीयता की बात होती है कि अगर वायरल हो गया, कहीं से गोपनीयता भंग हो गई, तो चाहे कोई लाभ ले पाए या नहीं ले पाए, परीक्षा में विश्वास सबका बना रहे। इसलिए आयोग ने ऐसा फैसला लिया और सरकार ने भी इसको उचित माना है। और हम समझते हैं कि इसमें उस ढंग से निराशा की तो कोई बात नहीं है, परेशानी हुई तो निराशा की बात इसलिए है, सॉरी मैं आपको रोकना चाहता हूँ, निराशा की बात इसलिए है कि वो तमाम छात्र आर्थिक और सामाजिक रसातल से अपने परिवार को बाहर निकालने के लिए इस सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं। कई बार उनकी उम्र निकल जाती है, कई बार एग्ज़ाम लेट हो जाता है, बार बार एग्ज़ाम लेट हुआ था, यह आपको भी जानकारी इस बात की है, और ऐसे में कई बार हौसला भी टूट जाता है। तो ऐसे में निराश ना होना, ये मतलब ये बड़ा अजीब बात है। आप जैसे उम्र की बात कर रहे हैं तो जिस डेट को इस परीक्षा की तिथि आई थी, अगली परीक्षा की जो तिथि आती है, इस बीच में अगर किन्हीं का एज एक्सपायर करता है तो आप जरूर संज्ञान में लाइएगा, हम लोग निश्चित रूप से सरकार की तरफ से पहल करेंगे। सर, कानूनी रूप से तो शायद उनकी एज एक्सपायर ना करे, वो एग्ज़ाम देने के लिए समर्थ हों, लेकिन सर मतलब उम्र तो बढ़ी जाती है, तमाम लोग फिर दूसरे पेशे में जाने की कोशिश करते हैं वो। जी मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप बिल्कुल काल्पनिक प्रश्न पूछ रहे हैं।
जिसकी जिसकी संभावना आपको भी नहीं दिखती है, क्योंकि आपने खुद कहा कि उम्र नहीं भी पार कर सकती है। तो जो आप खुद आश्वस्त हैं कि उम्र नहीं पार करेगी, तो इस तरह के काल्पनिक प्रश्नों का क्या औचित्य? नहीं, मेरा सर प्रश्न मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। उदाहरण के लिए किसी की उम्र अधिकतम उम्र 35 वर्ष है और ये पेपर कैंसिल हो गया और उसकी उम्र 35 वर्ष है इस समय या 34 वर्ष है, और एक साल बाद पेपर होता है या 6 महीने बाद पेपर होता है, तो उम्र तो उसकी बढ़ ही रही है, भले ही उसको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, तो उसके पास तो अपने आर्थिक समाधान के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं, आपका प्रश्न सही समझ के हमने सही जवाब दिया। हमको लगता है आप प्रश्न पूछने के बाद उत्तर पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। यही तो हमने कहा कि आज जिस स्थिति को जितनी उम्र अधिकतम उम्र की अनुमान्यता है, अगर अगली तिथि जो निकलती है इस बीच में कोई आयु सीमा पार करने की स्थिति आती है, तो वैसे मामले आएंगे तो सरकार जरूर चाहेगी कि उस पर आयोग विचार करे, यही तो हम कह रहे हैं। और जहाँ तक आर्थिक संपन्नता या विपन्नता की बात है, तो कोई एग्जाम की तिथि 3-4 महीने बढ़ने से या जितना भी बढ़े, अभी तो फैसला हुआ नहीं है, हमारे समझ से इसके बारे में कोई इस तरह की स्थिति न आए। या विद्यार्थियों को निश्चित रूप से परेशानी होती है, आपको क्या लगता है कि विश्वविद्यालय से भी जो परीक्षा होती है, मैट्रिक की भी परीक्षा होती है, इसमें तो एक स्तर से ऊपर जैसे पास किए लड़के रहते हैं, उसमें तो और गांव दूर देहात के स्कूलों के विद्यार्थी होते हैं, कभी कभी मजबूरी में वो परीक्षाएँ भी कैंसिल होती हैं। विद्यार्थियों की परेशानी, विद्यार्थियों की जो दुश्वारियां हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये तो सब आप लोगों ने देखा है और मीडिया का तो ये दायित्व तो बनता है लोगों को बताए कि सरकार ने ये काम कोई पसंद से तो किया नहीं है, ये किसी की खुराफात है, किसी का मिसचीफ है। जैसा कि हमने कहा कि इससे किसी को फायदा भी पहुंचाया गया, ये बात भी अभी तक आप लोग कहीं नहीं सामने ला पाए हैं, लेकिन अगर किसी ने सीधे कहीं से उसका स्क्रीनशॉट लेके वायरल कर दिया, तो आपको ये जरूर बताना चाहिए लोगों को कि ये सिर्फ और सिर्फ मिसचीफ के रूप में होंगे, जिनकी तहकीकात हो रही है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ऐसे जो शरारती तत्व हैं उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई पर आते हैं सर, अब तक जो जांच हुई है, जो हमारे पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, हमने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उनसे उनमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है, कुछ परीक्षा केंद्रों में यूपीएससी के नियमों के तहत जो परीक्षा आयोजन की जानी थी उन नियमों का उल्लंघन किया गया, लेकिन अब तक न जिलाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, न पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। यही नहीं, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो नियमों का पालन कराएं, वो स्वयं उस मामले की जांच करा रहे हैं। इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहता हूं, यहां पर 5 दिन हो गए हैं आरा के उमर सिंह कॉलेज में जो विवाद हुआ था, लेकिन अब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। एक और लाइन जोड़ देता हूं मैं इसमें कि अब तक EOU यूनिट ने, आर्थिक एंड साइबर अपराध शाखा है जो है, उसने 420 और 467 जो धाराएँ हैं, जो पेपर लीक विशेष रूप से जो मामला है, ये एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, सबसे तो पहली बात है कि आप थोड़ी जल्दीबाजी में, और न्याय हमेशा हर पक्ष को उचित समय देता है, और आपने कहा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और आपने देखा कि केंद्राधीक्षक से लेके मैजिस्ट्रेट जो दंडाधिकारी थे वो गिरफ्तार हुए हैं, ये कार्रवाई नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं, जब जांच पूरी हो जाएगी, जो EOU जांच कर रही है, उसमें जहां तक जो साइबर कनेक्टिविटी या कहां से वो इनिशिएटर था उसका, जो उसकी जिसने
ये मिस्चीफ किया था, वहाँ तक पहुँचने के बाद चाहे उसके लिए जितने लोग दोषी होंगे, कलेक्टर दोषी होंगे, एसपी दोषी होंगे, उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी जो प्रारंभिक जांच में जिन लोगों की उदासीनता या नेग्लिजेंस या गड़बड़ी पाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सर, आप कह रहे हैं कार्रवाई हुई है, लेकिन अगर परीक्षा केंद्र में जो सीसीटीवी फुटेज को इंश्योर करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी, वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी नहीं थी। जिला प्रशासन का दायित्व है कि वो उन नियमों का पालन कराए जो नियम बीपीएससी द्वारा तय किए गए हैं, और आप कह रहे कार्रवाई हुई है। अब तक क्या जिला प्रशासन के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया है? मैं डीएम और सीनियर ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर मुख्य रूप से जिम्मेदारी थी। आप तो जांच से भी पहले ही जिम्मेदारी फिक्स कर दिए, किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए ये आप ही सुनिश्चित कर दे रहे हैं। तब तो लगता है जांच की आवश्यकता ही नहीं थी। ये सारी जिम्मेदारी उनकी थी, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सवाल है कि सरकार के तरफ से या कलेक्टर एसपी के तरफ से भी, जो मैंने स्पष्ट कहा है, अब कहाँ पे कन्फ्यूजन है आपको हम नहीं समझ रहे हैं, कि जांच पूरी होने के बाद अगर कलेक्टर एसपी के नेग्लिजेंस की बात आएगी तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी प्रारंभिक जांच में जिनका दोष या जिनकी कमजोरी या जिनका नेग्लिजेंस सामने आया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसलिए हम आपसे भी अनुरोध करेंगे और आपके माध्यम से सभी हमारे छात्र छात्राओं से भी अपील करेंगे कि जब सरकार ने और आयोग ने दोनों ने इतनी त्वरित कार्रवाई की है, तो जरूर भरोसा रखना चाहिए। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम निश्चित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये सरकार और आयोग के भी विश्वसनीयता का प्रश्न है। इसके पीछे परिप्रेक्ष्य में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2-3 साल से, शायद आपको पता होगा और अपने दर्शकों और श्रोताओं को भी बताना चाहिए, कि बिहार लोक सेवा आयोग की कार्यशैली की न सिर्फ अपने प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए और आगे भी सही और सख्त कार्रवाई होगी।